होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको ज्योतिष के बारे में बताएंगे। ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत फायदे होते हैं, पर कभी कभी आपको अगर गलत ज्योतिष मिल गया या गलत चीजें बता दी गई तो ये चीजें या ज्योतिष के जो उपाय हैं आपको बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए कभी भी एक अच्छे ज्योतिष का ही आपको सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर सही जानकारी के अभाव में सामान्य जन किसी भी कहने पर ज्योतिषीय उपाय आजमाने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह के आजमाए गए उपाय कई बार हानिकारक सिद्ध होते हैं? आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए और नीच ग्रहों का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। कुंडली में गुरु दसम भाव में हो या चौथे भाव में हो तो मंदिर निर्माण के लिए धन नहीं देना चाहिए, यह अशुभ होता है, जातक को कभी भी फांसी तक पहुंचा सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो कभी भी पीले वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। बारहवें भाव में चंद्र हो तो साधुओं का संग करना बहुत अशुभ होता है, इससे परिवार की वृद्धि रुक जाती है। सप्तम अष्टम सूर्य हो तो तांबे का दान नहीं देना चाहिए, धन की हानि होती है। मंत्रोच्चार के लिए शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। जब भी मंत्र का जाप करें उसे पूर्ण संख्या में करना जरूरी होता है। मंत्र एक ही आसन पर एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद दशांश हवन अवश्य करना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलता है। कुछ लोग वार के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, यह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उनके वस्त्र पहनना शुभ है, लेकिन जो ग्रह शुभ नहीं है उनके रंग के वस्त्र पहनना गलत हो सकता है। कई बार किसी के सलाह लिए बिना कुछ लोग मोती पहन लेते हैं, यह गलत है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो मोती पहनने से व्यक्ति अवसाद में आ सकता है। अक्सर देखा गया है कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिष बिना कुंडली देखे कुकराज पहनने की सलाह दे देते हैं ज्यादातर, और इसका जो परिणाम होता है वो उल्टा हो जाता है और शादी ही नहीं होती है। कुंडली में गुरु नीच का अशुभ प्रभाव में अशुभ भाव में हो तो पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए। कई लोग घर में मनी प्लांट लगा लेते हैं यह सुनकर कि इससे घर में धन वृद्धि होगी, लेकिन तत्व तो यह है कि अगर बुध खराब हो तो घर में मनी प्लांट लगाने से घर की बहन बेटी बहुत दुखी रहती है। कैक्टस या कांटे वाले पौधे घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है, अतः जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उन्हें ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।